प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। चुनाव समाप्त होते ही प्रशासन ने गियर बदला, विकास कार्यों की समीक्षा की, हर घर नल जल योजना पर दिया पूरा जोर, सूखा से निपटने और बाढ़ की पूर्व तैयारी करने को कहा जिलाधिकारी ने। चुनाव परिणाम बाद आते ही गदगद हुए एनडीए कार्यकर्ता, महागठबंधन के नेता हार का हिसाब करने में जुटे रहे। और महाविद्यालयों में दीक्षांत समारोह का सिलसिला जारी, सीएम साइंस कॉलेज में हुआ संपन्न, तो सीएम आर्ट कॉलेज और मिल्लत कॉलेज में तैयारी जोरों पर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा, सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पार्क इंस्टीट्यूट आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पार्क इंस्टीट्यूट में आईआईटी नीट इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th 12th मेडिकल नीट एंड इंजीनियरिंग आईआईटी जेई की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th 8th 9th 10th एनटीएसई केवीपीवाई ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082 8409833709। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर अललपट्टी नियर रेलवे गुमती। आवर साइलेंट फीचर्स, स्पेशल अटेंशन टू स्मॉल किड्स, अ को एजुकेशन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 10th, फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 10th, बेस्ट एजुकेशन, CBSE पैटर्न इन इंग्लिश मीडियम, डेडिकेटेड एंड डिवोटेड टीम ऑफ टीचर्स हु विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक योर वर्ड अ कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल मैन, रेसिडेंशियल कम डे स्कॉलर्स, कंप्लीट इंग्लिश एनवायरनमेंट, एनरिच्ड लाइब्रेरी, साउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ऑल वायबल रूट्स एट मिनिमम कॉस्ट, प्ले वे मेथड फॉर किड्स, एक्स्ट्रा करिकुलम योगा आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक एंड डांस क्लासेज, रिमेडियल क्लासेज, टीचिंग थ्रू वेल एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेंड टीचर, स्पेशल स्ट्रेस ऑन गुड हैंडराइटिंग एंड डिसिप्लिन, वेल मैनेज्ड लाइब्रेरी हैविंग गुड स्टॉक ऑफ डिफरेंट पब्लिकेशन बुक्स, एक्स्ट्रा क्लासेज ऑन सोशल एंड मोरल बिहेवियर फॉर मेकिंग देम नॉट ओनली सक्सेसफुल बट ऑल्सो अ गुड ह्यूमन बींग, वेयर लर्निंग इज द पैशन, शॉर्ट टाइम बिग डिफरेंस, यू हैव जस्ट टेकन योर फर्स्ट स्टेप टू अ सक्सेसफुल कैरियर, हरी अप, एडमिशन इज गोइंग ऑन, इफ यू नीड ट्रू एजुकेशन देन रजिस्टर योर वार्ड एट कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, जिसका मोबाइल नंबर है 9525022820 एवं दूसरा मोबाइल नंबर है 8969686343। आज ही आइए और आज ही अपने प्यारे दुलारे बच्चों का नामांकन इस आवासीय सह दिवसीय विद्यालय कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर में अवश्य करवाइए। और अब समाचार विस्तार। चुनाव समाप्त हुआ, मतगणना के बाद सरकार अब विकासात्मक कार्यों में लग गई और इसी के तहत शनिवार को जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने 7 निश्चय योजना की समीक्षा की और हर घर नल जल योजना, जहां काम धीमी गति से है या काम नहीं हुआ है, 3 प्रखंड विकास पदाधिकारियों से कारण बताओ नोटिस पूछकर उनका वेतन तक बंद कर दिया है, प्रपत्र क गठन करने का आदेश उप विकास आयुक्त को दिया है।
वे समीक्षा कर रहे थे, उन्होंने सुखाड़ और बाढ़ की भी समीक्षा की। उप विकास आयुक्त डॉक्टर काली प्रसाद महतो, पंचायती राज पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। साथ ही उन्होंने कहा कि कई जगह सूखा है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन इत्यादि के कामों पर तेजी से कार्रवाई की जाए। चुनाव संपन्न हुआ, मतगणना संपन्न होते ही दो दिन के बाद जिला प्रशासन जिलाधिकारी ने गियर बदला, विकास के कार्यों की समीक्षा की। शनिवार को जिला पदाधिकारी ने सात निश्चय योजना के क्रियान्वयन में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले तीन प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जेई को चिन्हित कर उनके वेतन बंद करने, उनके विरुद्ध प्रपत्र क में आरोप गठित करने का निर्देश DDC को दिया। उन्होंने कहा कि कतिपय पंचायतों में जेई द्वारा नल जल योजना विशेषकर नहीं लगाई गई, निहित स्वार्थवश MB नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते कार्यकारी एजेंसी को भुगतान नहीं हो रहा है, कहीं काम नहीं हो रहा है। जिलाधिकारी ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया और जेई को चयन मुक्त करने का आदेश दिया। समाहरणालय सभा कक्ष में वर्तमान जल संकट एवं सुखाड़ से निपटने हेतु किए जा रहे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा कर रहे थे। बाढ़ से पूर्व तैयारी की भी उन्होंने समीक्षा की। बैठक में BDO द्वारा वार्ड को राशि स्थानांतरित नहीं की जा रही है, यह मुखिया द्वारा आरोप लगाया गया था। जिलाधिकारी ने संबंधित मुखिया के विरुद्ध भी FIR दर्ज करने एवं उन्हें चयन मुक्त करने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। जो मुखिया नहीं अनुशंसा कर रहे हैं राशि की, उनके विरुद्ध प्रस्ताव देने को कहा कि इन्हें चयन मुक्त किया जाए, चूंकि जल नल की जो कोताही बरती जा रही है उसमें कहीं से कोई भी शिथिलता नहीं देखी जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार के सात निश्चय योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव स्तर पर इन योजनाओं की समीक्षा हो रही है। सात निश्चय योजना में दरभंगा जिला की प्रगति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा वर्तमान में जल संकट को देखते हुए हर घर नल जल योजना का तेजी से क्रियान्वयन कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अत्यधिक जल संकट वाले गांव टोलों में स्टैंड पोस्ट लगाकर तुरंत पानी की आपूर्ति की जाए, लेकिन जिन गांव टोलों में स्थिति सामान्य है वहां बोरिंग गाड़कर पाइप के जरिए घर तक जलापूर्ति की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में अत्यधिक गर्मी पड़ने के चलते जिला के कुछ अंचलों में जल संकट की स्थिति है। जल संकट वाले पंचायतों में नया चापाकल गाड़ने, पुराने खराब चापाकलों के सिलेंडर लगाकर मरम्मती कराने का कार्य तेजी से की जाए। नल जल योजना के तहत जहां बोरिंग हो गए हैं लेकिन पाइप नहीं बिछाई गई है, उन पंचायतों में भी स्टैंड पोस्ट लगाकर पानी की आपूर्ति कराई जाए। समीक्षा में पाया गया बहादुरपुर प्रखंड, बहरी प्रखंड, हायाघाट प्रखंडों में टैंकर से भी पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा गली नाली पक्कीकरण योजना की भी उन्होंने समीक्षा की। सुखाड़ को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कबीर अंत्येष्टि योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना क्रियान्वयन तेजी से करने का भी निर्देश उन्होंने दिया और कहा कि RTS काउंटर को समय पर खुलवाने का भी कार्य करें। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लाभार्थी अभी तक वाहन नहीं खरीदे हैं, उनको अंतिम नोटिस निर्गत करने को भी कहा गया। बैठक में नगर आयुक्त, ADM, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी मौजूद थे। संकट और संभावित सुखाड़ को देखते हुए आज बैठक आयोजित की गई है, जिसमें हर घर नल का जल योजना जो सात निश्चय का एक महत्वपूर्ण अंग है उसका प्रखंडवार विस्तार से समीक्षा की जा रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जा रहा है कि जो पंचायत और वार्ड स्तर पर अगर लापरवाही बरती जाती है तो कानूनी कार्रवाई और प्रशासनिक कार्रवाई, अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए और जल्द से जल्द इन सभी वार्डों में योजनाओं को क्रियान्वयन कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ में PHD के भी कार्यशैली का समीक्षा किया गया है, वो कई सारे निर्देश दिया जा रहा है और नगर निगम का भी जल संकट का समीक्षा विस्तार से किया गया है और उसके संबंध में भी कई सारे निर्देश दिए। दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गोपाल जी ठाकुर की जीत, ऐतिहासिक जीत, लाखों मतों से जीत, सबको चौंका दिया। एक ओर जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता इस आत्मविश्वास से और जीत से खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं, वहीं महागठबंधन के नेतागण जो लगातार लगे हुए थे अप्रत्याशित जीत का अंतर देखकर वो चौंक रहे हैं। आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ और इस तरह का परिणाम और आगे क्या होना है, इन सब बातों पर हमने उन कार्यकर्ताओं से बात की जो लगातार बूथ स्तर से जुड़े हुए थे, लगातार जनता से जुड़े हुए थे, मतदाताओं को बूथ तक पहुंचा रहे थे, विभिन्न राजनीतिक पार्टी के लोग।
23 तारीख को मतगणना परिणाम आते ही लगातार एनडीए कार्यकर्ताओं का जोश मतगणना केंद्र से लेकर बाहर तक, अब शहर से लेकर गांव तक लगातार जारी है। झूम रहे एनडीए कार्यकर्ता, क्योंकि झूम झूम कर मतदाताओं ने वोट गिराया था एनडीए के पक्ष में और लगभग 2,68,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल के अब्दुल बारी सिद्दीकी को हरा दिया। राजद का सुपड़ा बिहार से साफ हुआ, दरभंगा ने भी इसमें हाथ धोया और पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन को 39 जगह जीत मिली। एक जगह मात्र किशनगंज में हार हुई, जो सीट कांग्रेस के खाते में गई। न लालटेन जला, न पंखा चला, न नाव इस पार से उस पार हुआ, न जीतन राम मांझी का कोई जादू चला। भाजपा ने परचम लहराया, तीर खूब चला, बंगला खिला दिखा और एनडीए ने हर जगह जीत हासिल कर दी। आप देख रहे हैं यह बहादुरपुर में किस तरह से जश्न मना रहे हैं राजग कार्यकर्ता। जैसा कि आपको मालूम है, देश का चुनाव हुआ है और महापर्व में बिहार नहीं भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताए हैं और उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। इसके लिए मैं बिहार की जनता की ओर से और भारत की जनता की ओर से मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। शनिवार को लहरियासराय टावर पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर अपने खुशी का इजहार किया। मिथिला के बाग का सम्मान माननीय मोदी जी जरूर रखेंगे, विश्वास रखिए। गोपाल जी ठाकुर मंत्री बन के बिहार लौटेंगे, मेरा मिथिला वासी का मेरा बजा दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर जी का से हम लोग जितने कार्यकर्ता है यहाँ के उत्साहित हैं, यहाँ के लोग भी स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित हैं और इस उत्साह के कारण हम लोग आज रोड पर उतर कर जश्न मना रहे हैं और सभी जो हमारे मतदाता हैं सारे बंधुओं को धन्यवाद दे रहे हैं अपनी ओर से, इस चीज के लिए सभी को बधाई दे रहे हैं। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार की अभूतपूर्व जीत हुई है और दरभंगा में भी गोपाल जी ठाकुर अभूतपूर्व मतों से 2,70,000 के आसपास से जीते हैं। निश्चित रूप से यह कार्यकर्ताओं के लिए, आम जनता के लिए बहुत उत्साहवर्धक समय है और पूरे देश में जश्न मना रहा है। दरभंगा में भी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया 5 साल में समाज के सभी वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अति पिछड़ों के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, उसकी परिणति और जिस तरह विपक्ष ने नकारात्मक प्रचार किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द बोला, वो और जनता उद्वेलित होकर जो है आम जनता जो नरेंद्र मोदी जी को वोट दी और पूरे देश में उल्लास का वातावरण। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, जो भारत के लिए ये केंद्र का चुनाव था और इसका परिणाम सामने है, क्योंकि जनता तय करती है कि क्या करना है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एनडीए महागठबंधन। तमाम कार्यकर्ता को धन्यवाद देते हैं और मोदी जी और प्रदेश नेतृत्व और अमित शाह जी को सबको धन्यवाद इसलिए देते हैं कि एक कार्यकर्ता पर भरोसा जताए और भारी से भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि एक जमीनी नेता को तो हम लोग चुने हैं कि जमीन से जुड़े रहेंगे। पहले बार जो थे वो हवाई जहाज से उड़ते थे, आज जमीनी है, लोग बिना बुलाए बिना कहे मत देते दिए हैं, मतलब उम्मीद से ज्यादा मतों से गोपाल जी ठाकुर का विजय हुआ है। मैं यही कहना चाहूंगी कि दो पार्टी हैं,
दो पक्ष और विपक्ष, उसमें जिसका काम दिखता है वही जीतता है। और ये सब भाई बहनों की मेहनत का फल है जो हमारे मोदी जी फिर दोबारा आए हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और सभी भाई बहन की मेहनत जो है वो रंग लाया है। आज पूरे देश में मोदी जी की जय जयकार है। सिर्फ वो नहीं जीते, उनका काम जीते, सारे गरीबों, वो एक गरीबों का मसीहा है। गरीबों का मसीहा होने के कारण हर किसी के दिल में वो घर बना चुके हैं। और हम लोग जो मेहनत किए गांव-गांव जाके, सफल यात्रा हुआ, हर बैठक हर चीज किए, एक ही को कलाम है जो पीएम सबका साथ और सबका विकास। उनको लगना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबको एक समान करते हैं। और काम देख करके लोग उनको चाहा है और आगे भी चाहेगा। संपन्न लोकसभा चुनाव में बिहार में खासकर 40 सीट है। इस 40 सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 39 सीट पर सफलता मिली। सफलता के पीछे मुख्य कारण यह है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के अगुवाई में यह चुनाव लड़ा गया। और देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो विकास का काम किया, यह जीत माननीय प्रधानमंत्री या बिहार के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी की जीत है। और बिहार की जनता और देश की जनता है दोनों नेता पर गर्व करते हैं। दरभंगा के गोपाल जी ठाकुर कार्यकर्ता समान नेता है, सबों ने मिलकर दिल खोल के बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने इनका वोट दिया है। और ये निश्चित रूप से बहुत बढ़िया से सब लोगों के लिए काम करेंगे। इस जीत का श्रेय हम सबसे पहले दरभंगा की जनता, दरभंगा के मतदाता को देना चाहेंगे। और बिहार के अंदर में जो जीत हुआ है उस जीत का सबसे बड़ा श्रेय जो है वो बिहार के अंदर में नीतीश और मोदी जी का जो काम हुआ है बिहार के अंदर में और पूरे देश के अंदर में, उस काम के बदौलत आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। और इस देश का विकास, इस बिहार का विकास अब चहुंमुखी होगा। हमारे दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से माननीय गोपाल जी ठाकुर को जो इतने 1.5 लाख वोटों से जो जीत उन्होंने हासिल की है उनको हार्दिक शुभकामना। साथ ही उम्मीद करते हैं कि हमारे गोपाल जी ठाकुर हमारे दरभंगा के विकास के लिए बहुत कार्य करेंगे और जो उम्मीद है वो उम्मीद से बढ़कर करेंगे। देखा किस तरह से राजनीतिक जो एनडीए के समर्थक हैं पूरे आत्मविश्वास में, और आत्मविश्वास थी जीत की भी और उसी जीत का जश्न। देखा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। चलिए देखते हैं किस तरह जो महागठबंधन के नेता थे उन जिनको हार का सामना करना पड़ा उनके नेता को, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। 3 महीने पहले आत्मविश्वास से लबरेज महागठबंधन नेताओं का जोश तो बहुत था, लेकिन चुनाव आते ही सब कुछ तार तार हो गया, करारी शिकस्त मिली। 3 दशक की राजनीति में राजद ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की हार होगी। अब हार का जोड़ घटाव समीक्षा करने में लगे हैं उनके नेतागण कार्यकर्तागण। ये जो जीत हुई है ये सीधा सीधी देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपनी बातों को जनता के सामने में परोसा, तो जनता मंत्रमुग्ध हो गई और देश दो भाग में बटने की विचारधारा के तहत दो भाग में वोट हुआ, जिससे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर जिनके नेता और जीत मिली, वह जीत गोपाल जी ठाकुर की नहीं है, वह जीत सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी ने परोसा है अपनी बातों को, उनकी जीत। अब तो वर्तमान चुनाव गांधी के प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़ा करता है। अब देश गांधी के राह पर चलेगा कि गोडसे के राह पर चलेगा, ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। आज 350 जो वोट लेके आया है
वो गांधी के विचारों का समर्थक नहीं है, गोडसे के विचारों को समर्थक है। अब देश को नए सिरे से सोचना होगा कि देश किस राह पर चलेगा। देश में सांप्रदायिक सद्भाव रहेगा, देश में सांप्रदायिक सद्भाव बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सवाल खड़ा है। सवाल इस बात का नहीं कि गोपाल जी तो किस बारी सिद्धि की हारे, सवाल इस बात का है कि गांधी का विचार चलेगा कि गोडसे का विचार चलेगा भारतवर्ष में। इसीलिए देश को नई दिशा देने के लिए फिर नए से सिरे से लोगों को विचार करना होगा और देश को नई राह नई दिशा पर ले चलने के लिए कटिबद्ध होना होगा। बहुत शर्मनाक हार हुआ जो बहुत दयनीय है। हम नहीं सोच रहे थे कि इतना हार होगा हम लोगों का। इसके लिए कुछ भी होगा, सुधार होगा, आगे क्या होगा जो 22 में देखा जाएगा। देखिए फिलहाल तो एनडीए के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर यहाँ से जीते हैं, उनको हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। लेकिन शायद इससे पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें मैंने कहा था कि कांग्रेस उम्मीदवार कीर्ति झा यादव को यहाँ से देना चाहिए था, नहीं तो जीत नहीं होगी। महागठबंधन की अगुवाई हुआ तो मैंने कहा भाई बार मैंने कहा था कि इनको टिकट नहीं देने थे, पूरे मिथिलांचल की सीट पर असर पड़ेगा, वो पड़ चुका। मिथिलांचल में चारों सीट को हमने लूज किया, तो कम से कम ये चीज़ समझना चाहिए था। महागठबंधन खासकर आरजेडी ने इसमें अपना भीड़ बना दिखाया और उसके वजह से हम पूरे बिहार में नुकसान हुआ है हमारा। महागठबंधन में जिस टाइप के पार्टियों का समावेश किया गया था, अब जैसे बीजेपी पार्टी जैसी जिसका कोई अस्तित्व नहीं, हमको लालसपा को लेकर हमने गठबंधन बनाया, उसकी जगह पर अगर हम लेफ्ट को या जाप को लेकर चलते तो आज हमारा संगठन कुछ होता, आज हमारा वोट परसेंटेज कुछ और होता। मैं हरिशंकर गुप्ता हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का महानगर अध्यक्ष हैं। इस बार हम लोग की हार हुई है महागठबंधन में और हमारे गोपाल जी ठाकुर की जीत हुई है। हम लोग गोपाल जी ठाकुर को बधाई देते हैं, जो कम से कम हमारा जो जनता है दरभंगे का जितना जनता है उनको जितनी हो सके उनकी मदद करेंगे, उनको देख रेख करेंगे। मैं अपने तरफ से पूरे पार्टी की ओर से हम उनको बधाई देते हैं। कहीं आ कहीं वाह। और महागठबंधन में कई दल लोगों की अपनी अपनी राय, जहां कांग्रेस ने कहा कि हार तो पहले ही तय हुई थी जब कांग्रेस की अनदेखी हुई थी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का कहना है कि चलिए अब दरभंगा को देखें नए सांसद गोपाल जी ठाकुर, हम बधाई देते हैं। वहीं राजद का कहना है कि समीक्षा करेंगे कि आगे कैसे मजबूत हों। विभिन्न पार्टियों की अपनी अपनी राय और अलग अलग बटे हुए मत में भी कारण संभवतः यही रहा हार का। सरफराज आलम के साथ वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। बाकी अभी बहुत कुछ है, पहले रुकेंगे लेंगे। डॉक्टर रूही आसमीन निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ, कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन एंड रेसिडेंटल स्कूल, रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द सीजन 2019-20, कैरियर ओरिएंटेड नेचर फार्मिंग गाइडलाइंस, अट्रैक्टिव कैंपस विथ हेल्दी इंग्लिश इन्वायरमेंट, क्लासरूम्स विथ स्मार्ट स्क्रीन्स, प्रोजेक्टर्स एंड क्लोज सर्किट कैमराज, स्पेशल क्लासेस ऑफ मॉडल एजुकेशन, स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ फॉरिजन लैंग्वेज संस्कृत उर्दू क्लासेस, कंप्यूटर एंड साइंस लेबोरेटरीज विथ मॉडर्न इक्विपमेंट, हाईटेक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड SMS अलर्ट सिस्टम। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल खाजासराय लहरियासराय दरभंगा, कॉन्टैक्ट 7061845006 9234928396। दरभंगा को विकास की ओर एक कदम और ले जाने के लिए द क्रूसेड ज्वेलर्स अपनी तरह का मिथिलांचल का पहला शोरूम, जहां लोग मुफ्त में अपने गहने का कैरोमीटर से जांच कर सकते हैं। आभूषणों की नई रेंज लेटेस्ट डिजाइन के साथ उपलब्ध है।
किस्ना और जोरवर डायमंड की लेटेस्ट डिजाइन द गुरु सीड ज्वेलर्स में खास लोअर रेंज से अपर रेंज तक की ज्वेलरी उपलब्ध है। जी रोड कॉन्टेक्ट 9006492368। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। चुनाव समाप्त होते ही प्रशासन ने गियर बदला, विकास कार्यों की समीक्षा की। हर घर नल जल योजना पर दिया पूरा जोर। सूखा से निपटने और बाढ़ की पूर्व तैयारी करने को कहा जिलाधिकारी ने। चुनाव परिणाम बाद आते ही गदगद हुए एनडीए कार्यकर्ता। महागठबंधन के नेता हार का हिसाब करने में जुटे रहे। और महाविद्यालयों में दीक्षांत समारोह का सिलसिला जारी। सीएम साइंस कॉलेज में हुआ संपन्न, तो सीएम आर्ट कॉलेज और मिल्लत कॉलेज में तैयारी जोरों पर। जमीनी विवाद में कनौर पासवान की हत्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग सहित पीड़ित परिवारों को 20 लाख मुआवजा देने की मांग लेकर दलित शोषण मुक्ति मोर्चा ने प्रतिरोध मार्च निकाला। लहरिया सराय में धरना। जमीनी विवाद में घनौर पासवान की हत्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग सहित पीड़ित परिवारों को 20 लाख मुआवजा देने की मांग लेकर दलित शोषण मुक्ति मोर्चा ने प्रतिरोध मार्च निकाला। लहरिया सराय धरना स्थल से। हत्या करने वाले अपराधी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। घनौर पासवान के हत्या रे तो गिरफ्तारी क्यों नहीं, दरभंगा प्रशासन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। घनौर मंच की ओर से 3 दिन पहले गढ़िया के दलित घनौर पासवान की हत्या हुई। हत्यारों की गिरफ्तारी, मृतक के परिवार को मुआवजा और दलितों को सुरक्षा देने की मांग को लेकर अभी प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। हम बताना चाहते हैं, जो जब से बिहार में एनडीए के साथ नीतीश की सांठगांठ हुई है, बड़े पैमाने पर दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों की हत्या हो रही है। भूमि का समस्या सरकार ने निदान करने का आश्वासन दिया, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। दरभंगा जिले में लगातार कमजोर वर्गों पर हमले बढ़े हैं, दलितों पर हमले बढ़े हैं। हम बताना चाहते हैं, जो गढ़िया के दलितों को पूर्व में भी हत्या की ये धमकी दी गई थी, मगर सदर थाना की पुलिस कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते कार्रवाई होती तो घनौर पासवान की हत्या नहीं होती। आपका मामला है, ये 3 दिन पहले घनौर पासवान की हत्या हुई है। कौन सा थाना क्षेत्र का? ये सदर थाना। हम हत्यारों की गिरफ्तारी, दलितों को सुरक्षा। बात दीक्षांत समारोह की। जी हाँ, दीक्षांत समारोह शिक्षा का समापन नहीं तो ये चुनौतीपूर्ण जीवन का आगाज है। उक्त बातें मानस बिहारी वर्मा ने कही चंद्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में। समारोह का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने किया। ऐतिहासिक क्षण, आखिर वह घड़ी जिसका महीनों से इंतजार चल रहा था। तैयारियां चल रही थी। कुलाधिपति महामहिम लालजी टंटन के आदेशानुसार कॉलेज स्तर पर दीक्षांत समारोह की परंपरा की शुरुआत हुई। सीएम साइंस कॉलेज में प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे थे पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दीक्षांत समारोह शिक्षा जगत के लिए एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। छात्रों को इसे सीख लेनी चाहिए। 2015-18 के स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को संदर्भित विषय का वेस्ट ग्रेजुएट अवार्ड प्रदान किया गया।
वहीं महाविद्यालय स्तर पर सर्वाधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थी को बेस्ट ग्रेजुएट ऑफ सीएम साइंस कॉलेज अवार्ड से नवाजा गया। तो हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। मिथिला की हृदय स्त्री पर अवस्थित इस महाविद्यालय में मेरा आना किसी तीर्थ से कम नहीं है, क्योंकि अपने स्थापना काल से ही सारस्वत उपलब्धियों के लिए चर्चित रहने वाले इस महाविद्यालय ने तो अनेक मनीषियों ने कृतार्थ किया है। ज्ञान विज्ञान और संज्ञान से परिपूर्ण इस महाविद्यालय के ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह में भाग लेकर के मैं अपने को गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ। By learning you in the college, you have blazed the trail which will be followed probably in entire Bihar sooner or later. And the years ahead, all have to strive hard to go beyond the geographical confines of the region and grow as an institute of higher learning of international standard in Europe. चंद्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय दरभंगा के प्रथम दीक्षांत समारोह में जनक व्याकवल गार्गी भारती ज्ञान की मंडन आयाज वाचस्पति डॉक्टर सर गंगानाथ झा महामहोपाध्याय जयदेव मिश्र महामहोपाध्याय डॉक्टर उमेश मिश्र कवि कोकिल विद्यापति कविवर चंदा या अन्य ऋषि मुनियों मनीषियों एवं साहित्यकारों के ज्ञान दर्शन और आदर्श से संतृप्त मिथिला की इस पावन भूमि पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और दीक्षांत समारोह सीएम आर्ट कॉलेज में 26 मई को प्रथम ऐतिहासिक जो होगा वह आयोजन होने जा रहा है। विदत शोभा यात्रा के प्रोसेशन में सभी शिक्षकों ने दीक्षांत अंग वस्त्र धारण कर पूर्वाभ्यास किया। सभी बार सीएम कॉलेज में 26 मई को प्रथम ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह का आयोजन होने जा रहा। विद्युत शोभा यात्रा एकेडमी प्रोसेशन में सभी शिक्षकों ने दीक्षांत अंग वस्त्र धारण का पूर्वाभ्यास किया। मिल्लत कॉलेज में भी दीक्षांत समारोह होगा 27 मई को आयोजित। इस दीक्षांत समारोह की सफलता के लिए पूरा कॉलेज परिवार जुटा हुआ है। तैयारी अंतिम चरण। पीजी 2019 का परीक्षा केंद्र पटना दिए जाने के विरोध में जूनियर डॉक्टर एक बार फिर जा सकते हैं हड़ताल। पीजी का परीक्षा केंद्र पटना दिए जाने के खिलाफ डीएमसीएस के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जा सकते हैं। इससे पूर्व उन्होंने अपने सीनियर को यह सूचना दी कि इसका परीक्षा केंद्र दरभंगा बनाया जाए। यही तो हम कहते हैं, वो लोग भी यहाँ बुलाएंगे, दूसरे जगह दे दे, तब जाके न्याय होगा। वही सब सबको एग्जाम नहीं करो, दे जो भी कंट्रोलर है, अगर आपको कहीं भी एग्जाम देने, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है कि आपका एग्जाम है तो आपको आके कैपिटल में एग्जाम देना है, और उनको ऐसा लगता है कि यहाँ सेफ्टी नहीं है। तो यहाँ से पहले भी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम ऐसा हुआ था, तो यहाँ के जो डीएम है वो पूरी तरह से आश्वस्त किए थे कि आप किसी भी सेंटर पर एग्जाम दीजिए, हम एग्जाम कराने को तैयार हैं। अगर वो एग्जाम पटना में ही लेना चाहते थे तो वो पहले इन्फॉर्म कर सकते थे, अगर बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उन्होंने एग्जाम पटना दे दिया। बार बार आग्रह करने के बाद हमारे जो प्रिंसिपल वो फ़ोन किए, तब उन्होंने बताया कि एग्जाम का सेंटर पटना ही है, और अभी तक वो एडमिट कार्ड नहीं रिलीज किए। दो दिन से वो फ़ोन कर रहे हैं, उनका फ़ोन काट देते हैं। हम लोग का जो छात्र के स्टूडेंट सेक्शन के इंचार्ज जो फार्मा के सर हैं, उन्होंने जब फ़ोन किया तो उनका भी उन्होंने फ़ोन काट दिया। जब प्रिंसिपल सर ये भी बोले कि मेरे छात्र नहीं जाएगा एग्जाम देने के लिए, तो उनको कोई मतलब नहीं था, ओके करके फ़ोन काट दिया। कल से वो बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड भेज रहे हैं, अभी तक नहीं भेज रहे हैं। अगर मंडे को एडमिट कार्ड मिलता है और सेंटर पटना रहता है तो सारा किताब लेके
ट्यूसडे को एग्जाम है और मंडे को लेके सारा लोग कैसे जाएगा। ये नहीं कि उन्होंने कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया है कि पटना में आइए अपना एडमिट कार्ड दिखाइए अपना रूम लीजिए पढ़ाई कीजिए और एक जाके एग्जाम दीजिए। पटना के जो स्टूडेंट हैं वो तो वहाँ से सुबह उठेंगे अपने हॉस्टल से जाके एग्जाम दे देंगे और यहाँ के छात्र अपना सारा किताब लेके अपने रहने खाने का व्यवस्था करेंगे कि एग्जाम देने जाएंगे। यहाँ के छात्र का यही कहना है कि आपको जो भी करना है MCI का रूल भी है कि आपको 7 दिन पहले एडमिट कार्ड भेजना है, इसका कोई मतलब नहीं रहता है, उनको कोई मतलब नहीं है। एक तो वो डॉक्टर पैटर्निटी से नहीं है कि उनको इसका तकलीफ समझ में आए कि बरकतों एवं रहमतों का मुबारक महीना रमजान करीब है। ऐसे में जगह जगह दावत इफ्तार का आयोजन हो रहा है। प्रोफेसर अनिसुर रहमान के निवास स्थल इस्माइलगंज में दावत इफ्तार का आयोजन किया। बरकतों एवं रहमतों का मुबारक महीना माह रमजान समापन के करीब है। ऐसे में जगह जगह दावत इफ्तार का आयोजन हो रहा। मोहम्मद अनिसुर रहमान के निवास स्थल इस्माइल गंज में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। चुनाव समाप्त होते ही प्रशासन ने गियर बदला, विकास कार्यों की समीक्षा की। हर घर नल जल योजना पर दिया पूरा जोर। सूखा से निपटने और बाढ़ की पूर्व तैयारी करने को कहा जिलाधिकारी ने। चुनाव परिणाम बाद आते ही गदगद हुए NDA कार्यकर्ता। महागठबंधन के नेता हार का हिसाब करने में जुटे रहे। और महाविद्यालयों में दीक्षांत समारोह का सिलसिला जारी। CM साइंस कॉलेज में हुआ संपन्न, तो CM आर्ट कॉलेज और मिल्लत कॉलेज में तैयारी जोरों पर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।